सो गाइस हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एचआई के साथ रिएक्शन है। नीट में मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक साल के बाद अगले साल ये क्वेश्चन ना आया हो, मतलब एक साल छोड़ के हर अगले साल ये एचआई का क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक, अब इसको करने के तीन टाइप होते हैं, मतलब कि एचआई के साथ रिएक्शन के तीन टाइप के सवाल आते हैं, उनमें से ये थर्ड टाइप है। जब मैं आपको एचआई के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो तब मैं आपको एक एक टाइप करके समझा दूंगा। तो ये कौन सा टाइप है? ये बेटा थर्ड टाइप है। अब यहां क्या दे रखा है, बिल्कुल आसानी से समझो, बिल्कुल आसानी से समझो कि यहां पर क्या है। तो पहले एचआई के साथ रिएक्शन करानी है। अब एचआई किस में टूटता है? एच प्लस और आई माइनस में। एचआई किस में टूटेगा बेटा? एच प्लस और आई माइनस में। ऑक्सीजन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले क्या करो, ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर दो। ठीक है, ऑक्सीजन को प्रोटोनेट किया, ओ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ऑक्सीजन को प्रोटोनेट किया, ओ पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब आई माइनस है, अब आई माइनस को अटैक कराना है। अब आई माइनस कहाँ अटैक कर सकता है? या तो इस बॉन्ड पे अटैक करेगा, या तो इस बॉन्ड पे अटैक करेगा, कार्बोकैटायन के मैकेनिज्म से होता है। ठीक है, तो आई माइनस या तो इस बॉन्ड पे अटैक करेगा और या तो इस बॉन्ड पे अटैक करेगा। अगर आई माइनस यहाँ अटैक करता है तो ये देखो बेंजीन के साथ लगी हुई रिंग है, ये बेंजीन के साथ लगी हुई रिंग है, तो यहाँ पर क्या फेस करेगा? यहाँ पर रिपल्शन फेस करता है, यहाँ पर रिपल्शन फेस करता है। ठीक है, इसलिए क्या करेगा, आई माइनस यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कराएगा। तो आपको क्या मिल रहा है? एक ऑप्शन तो मिल रहा है तुम्हारा बेंजीन के साथ CH2I, और दूसरा ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको? फिनॉल। ठीक है, देख लो, फिनॉल वाला ये ऑप्शन है, फिनॉल वाला ये ऑप्शन है। इसके साथ CH2I नहीं है, इसके साथ CH2I है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, डी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।